हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके दिगम क्लासेस। स्वागत है आपका टीचिंग के ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां टीचिंग से रिलेटेड सारे एग्जाम्स जैसे सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, एनबीएस और अदर स्टेट की टेट की प्रिपरेशन कराई जाती है, और साथ ही साथ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां आप अपने टीचिंग स्किल्स को और बेहतर बना सके। पिछले वीडियो में सामान्यतः हम लोगों ने सीटेट 2022 का क्लास 1-5 का क्या सिलेबस था और क्लास 6-8 का क्या सिलेबस था, कौन कौन से विषय पूछे जा रहे थे, सामान्यतः हमने उसके ऊपर चर्चा किया था। आज मैंने 1-5 का जो CDP है उसको शुरू करने का सोचा है, और CDP का जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जैसा मैं अपनी ऑफलाइन बैचेस में शुरू करता हूं, बिल्कुल वहीं से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। जितने भी विद्यार्थी सीटेट 2022 को टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल आने वाले प्रत्येक वीडियो से आप लोग जुड़े रहें, और इस बार आप सभी लोगों को बता रहा हूं कम से कम 130 का आपको टारगेट अचीव करना है। मानता हूं ये टारगेट बहुत आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आप ही जैसे विद्यार्थी, तमाम ऐसे विद्यार्थी हर साल इससे भी ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, तो आपको भी ये प्रण ये निश्चय अपने मन में बना के रखना है कि कम से कम इस बार के सीटेट में 130 नंबर आपको स्कोर करना है। और अगर आप और हम ऐसे ही नए टॉपिक के साथ में और ऐसे ही जो है अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, तो बिल्कुल ये आंकड़ा जो है पा लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए आज अपने पहले जो टॉपिक है हमारी CDP की, उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ऑफलाइन बेसिस में भी मैं यहीं से शुरू करता हूँ, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का परिचय। देखिए, CDP एक ऐसा विषय है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी एक ऐसा विषय है जो सामान्यतः आप लोगों ने बचपन से नहीं पढ़ा है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि सीटेट में पूछे जाने वाले अन्य जितने भी विषय हैं, आपका EBS हो गया या मैथमेटिक्स हो गया या आपका Language 1 या Language 2 हो गया, आपने बचपन से ही इन सारी चीज़ों को पढ़ा है। लेकिन CDP में जो आपको जितने भी कंटेंट पूछे जाते हैं, वो तमाम चीज़ें या तो आपने, अगर आपने क्लास 12th में साइकोलॉजी ली होगी तो वहाँ पे पढ़ा होगा, या ग्रेजुएशन में आप लोगों ने साइकोलॉजी लिया होगा तो वहाँ पढ़ा होगा, और नहीं तो आपने बीड और BTC के दौरान जो है CDP में इसको पढ़ा होगा। इसीलिए इस विषय को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, इस विषय के साथ जुड़ाव। सामान्यतः जब पहली क्लास मेरी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि आपका इस विषय के साथ में एक संबंध स्थापित कर दूं, क्योंकि सीटेट में एक बहुत बड़ा जो है आप लोग समस्या फेस करते हो कि जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जितने भी विकल्प होते हैं, वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं कि अक्सर आप लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आप मनोविज्ञान को बारीकी से समझेंगे, एक एक बात के साथ में अपने जो है टॉपिक को क्लियर करेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आने वाले सीटेट के एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और आपकी जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसकी मात्रा भी बहुत कम हो जाएंगी। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, समझते हैं कि आखिर जो मनोविज्ञान है ये किस तरीके से, पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत एक छोटी सी शाखा के रूप में कार्यरत था। जैसा कि आप बोर्ड पे ये बड़ा सा सर्कल देख रहे हैं, ये दर्शन शास्त्र को जो है कहीं ना कहीं इंगित करता है, और इसमें ये जो आप छोटा सा स्क्वायर देख रहे हैं, इतना ही आपको जो है मनोविज्ञान का हिस्सा था इस पूरे के पूरे दर्शन शास्त्र में। जितने भी विद्यार्थी आर्ट्स से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि प्रत्येक आर्ट्स के विषयों की जो जननी है वो दर्शन शास्त्र को ही कहते हैं, फिलोसफी को ही कहते हैं। इसी तरीके से मनोविज्ञान भी दर्शन शास्त्र विषय के ही अंतर्गत एक छोटी सी शाखा के रूप में कार्य कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतता है और तमाम उस समय के दर्शन शास्त्री समय समय पे उन्होंने मनोविज्ञान को अलग अलग विज्ञान के रूप में पढ़ना शुरू किया। जैसे दर्शन शास्त्र में सबसे पहले और सबसे पुरानी जो पद्धति मानी जाती है मनोविज्ञान को, वो आत्मा के विज्ञान के रूप में मानी जाती है। समय बीता, कुछ दर्शन शास्त्रियों ने इसका विरोध किया कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान ना होके मन का विज्ञान है। फिर कुछ सालों तक ये भी पद्धति चली, मनोविज्ञान को हम मन के विज्ञान के रूप में पढ़ना शुरू कर दिए। लेकिन अब एक बार बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था, और इस बार जो है एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम विल्हेम वुंड है, जो पहले एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे और आगे चल के मनोविज्ञान में इनकी ख्यातियों की वजह से एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी बने। क्या किया इन्होंने कि विल्हेम वुंड
जर्मनी के रहने वाले थे और विलहम मुंट लिप्जिक विश्वविद्यालय जर्मनी में बतौर प्रोफेसर के पद पे कार्यरत थे। जब विलहम मुंट मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में अस्वीकृत करते हैं तो इनकी एक अपनी जो है विचारधारा बनती है और इनका मानना है कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान न हो के चेतना का विज्ञान है, और इसी के लिए तमाम जो है अलग अलग मंचों पे ये आवाज उठाना शुरू करते हैं और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने की मांग उठाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1857 लिखा हुआ है, मैंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कराने या स्वतंत्र कराने के क्रम को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति से जोड़ा है। मैं आपसे जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो को देख रहे होंगे, आप सभी लोग इतिहास पढ़ते हैं, और इतिहास में अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि बताइए पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति किस सन में शुरू हुई, तो तुरंत आप नाम लेंगे 1857। 1857 का वो समय, बैरकपुर की छावनी और मंगल पांडे का वो जो है विद्रोह, यही आप लेंगे। तो इसी तरीके से मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र विषय से स्वतंत्र एक अलग करके स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने के लिए एक साल अक्सर याद किया जाता है, और वो साल कौन सा है, 1879 का, 1879 का वो साल है। इस साल होता क्या है कि विलहम मुंट जो हमेशा इस पक्ष में थे कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित कर दिया जाए, और साथ ही साथ ये मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में अस्वीकृत करते थे, इनका मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। इन्हीं सारी बातों के साथ में लिप्जिक विश्वविद्यालय जर्मनी में विलहम मुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। विलहम मुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहां खोली, तो लिप्जिक विश्वविद्यालय जर्मनी में खोली। जैसे ही लिप्जिक विश्वविद्यालय जर्मनी में ये मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोलते हैं, विश्वास करिए उस समय का ये जो दर्शन शास्त्र का पूरा खेमा था ना, वो दो भागों में बट गया था। जहां पे एक तरफ कुछ दर्शन शास्त्र का सपोर्ट करते थे और कहते थे कि इतने वर्षों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में काम कर रहा था, अभी तक तो कोई समस्या नहीं थी, अब कौन सी ऐसी समस्या आ पड़ी। लेकिन एक दूसरा खेमा था जो मनोविज्ञान को सपोर्ट करता था। ये जो दूसरा खेमा है ये किसको सपोर्ट करता था, मनोविज्ञान को सपोर्ट करता था। इनकी सोच ऐसी थी कि जो मनोविज्ञान विषय है ये आगे चल के बहुत ज्यादा इसमें विस्तार संभव है, और इनका सोचना गलत भी नहीं था। आज बताइए मनोविज्ञान किस सेक्टर में नहीं पढ़ा जाता है, आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षक बनने के क्रम में भी आप मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं सीडीपी के रूप में। आप अगर चिकित्सा जगत में चले जाएंगे वहां पर भी आप मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, और अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में बड़े बड़े कंपनियों में चले जाएंगे तो वहां भी आप देखते हैं मनोविज्ञान को पढ़ा जाता है। आप देखिए जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वहां पे एचआर हायर किए जाते हैं। एचआर इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि उनकी कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए जो उस कंपनी का माहौल है उसको खुशनुमा बना के रखा जाए, उन कर्मचारियों से ज्यादा आउटपुट ले लिया जाए और उनके ऊपर कोई अतिरिक्त भार भी महसूस ना हो, ये काम होता है एचआर का। और एचआर बनने के लिए भी अच्छी खासी मनोविज्ञान पढ़ी जाती है। तो आज जो मनोविज्ञान जो प्रत्येक जो है अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हीं मनोवैज्ञानिकों की सोच थी जो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करके स्वतंत्र विषय के रूप में देखना चाहते थे। सिलसिला आगे बढ़ता है और इसी क्रम में विलहम मुंट 1879 में अपने ही विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोलते हैं, और जब ये पहली प्रयोगशाला खोलते हैं तो विश्वास करिए जो दर्शन शास्त्र को सपोर्ट करने वाले लोग थे उनमें खलबली मच जाती है। उनको लगता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला इन लोगों ने खोल दी, हो सकता है आगे चल के जो है ये मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र करा के एक स्वतंत्र विषय का रूप भी जो है अख्तियार करा दे। ठीक वैसा ही जब 1857 में मंगल पांडे ने जो है बैरकपुर की छावनी में पहली क्रांति की थी और अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया था कि अब भारत बहुत ज्यादा लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का जो है गुलाम नहीं रहेगा, ये एहसास उसी समय करा दिया था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 1857 के बाद क्रांति रुक गई होती तो क्या हमें स्वतंत्रता मिलती, नहीं। उसके बाद निरंतर जो है क्रांतियां चलना शुरू हो गई, मेरठ में क्रांति, दिल्ली में क्रांति, कानपुर में क्रांति, बिहार में क्रांति, तमाम जगहों पर अलग अलग लोगों ने अपनी क्रांति को जो है शुरू कर दिया। और आप खुद देखेंगे कुल 90 वर्ष लग गए हमें, कुल मिला के 90 वर्ष लग गए, और तब जाके कहीं ना कहीं 1947 में भारत को जो है आजादी मिलती है। ठीक इसी तरीके से विलहम मुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोल दी, और जैसे ही उन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली इनको एक उपाधि से नवाजा गया, क्या कहा गया, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी।
बोला गया इनको कि ये जो है इन्हें आज से फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद समय बीतता है और 1879 के बाद दो साल और बीतते हैं और साल आता है 1881 का। विश्व के तमाम ऐसे लोग जो मनोविज्ञान में अपनी रुचि रखते थे, जो लोग मनोविज्ञान में अपने नए नए सिद्धांतों को दे रहे थे, नए नए प्रयोग कर रहे थे, उनके लिए 1881 में विलहम वुंड ने ही पहली शैक्षणिक पत्रिका के रूप में एक मंच प्रदान किया। प्रश्न पूछता है कि बताइए मनोविज्ञान की पहली शैक्षणिक पत्रिका का नाम क्या है, तो फिलोसॉफिकल स्टडीज। मनोविज्ञान की जो पहली पत्रिका है उसका नाम है फिलोसॉफिकल स्टडीज। ऐसे तो उसका नाम फिलोसफीचे स्टडीन है, क्योंकि विलहम वुंड जो है वो जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मन भाषा में फिलोसॉफिकल स्टडीज को फिलोसफीचे स्टडीन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछता भी है कि बताइए मनोविज्ञान की पहली शैक्षणिक पत्रिका का नाम क्या है। इसी के साथ में जितने भी ऐसे लोग थे जो मनोविज्ञान में अपनी रुचि रखते थे, उन सभी को एक आधार मिल जाता है और अपने रिसर्च को इसी शैक्षणिक पत्रिका में वो पब्लिश कराना शुरू कर देते हैं। अब देखिए किस तरीके से मनोविज्ञान जो है अपनी स्वतंत्रता की कहानी गढ़ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता जाएगा और साल आएगा 1890 का, और इस 1890 के वर्ष में एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने सामान्यतः मनोविज्ञान के स्वतंत्र होने के बाद एक बुक लिखी जिसका नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। उस किताब का नाम क्या है? द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इस किताब को लिखने वाले कौन है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। अक्सर आप लोग जो है इस किताब से संबंधित प्रश्न अलग अलग एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। आप केवीएस में देखिए, डी टी प्लस बी में देखिए, सीटेट में देखिए, अक्सर इस बुक से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। 1890 में विलियम जेम्स ने एक किताब लिखी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और जब ये किताब लिखी तो उस समय सामान्यतः इसकी बहुत सारी प्रतियां बिकी और फिर से एक बार जो दर्शन शास्त्र को सपोर्ट कर रहे थे उनमें खलबली मच जाती है। इसी तरीके से साल बीतता है और साल आता है सामान्यतः, आप देखिए थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, साल आता है 1892 का। इस साल क्या होगा यहां पे थोड़ा सा फिर से मैं आपको पीछे लेके चलूंगा। आप देखिए मैंने बोला था कि विलहम वुंड जो है वो लिप्जिक विश्वविद्यालय जर्मनी में बतौर प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। विलहम वुंड अपने पूरे जीवन काल में 184 विद्यार्थियों को इन्होंने जो है पीएचडी, जो है पीएचडी की अपने अंडर में पीएचडी कंप्लीट कराया था। और ऐसे वैसे लोगों को नहीं, सामान्यतः इनके अंडर में ऐसे ऐसे लोग जो आगे चल के मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। मैं नाम लिखना शुरू करूंगा और आप समझ जाएंगे। पहला नाम है जी स्टेनले हॉल। जी स्टेनले हॉल, ये वही जी स्टेनले हॉल है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि किशोरावस्था तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। ये वही जी स्टेनले हॉल जिनकी किताब बहुत फेमस है एडोलसेंस, ठीक है। ऐसे ही दो और व्यक्ति हैं जिनका नाम है टिचनर, जेम्स बाल्डविन। ऐसे ऐसे लोगों ने विलहम वुंड के अंडर में अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। तो जी स्टेनले हॉल चूंकि यूएसए के रहने वाले थे और ये जब यूएसए वापस जाते हैं तो 1892 में एपीए का गठन करते हैं। एपीए क्या है? एपीए का फुल फॉर्म है द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एपीए का फुल फॉर्म है द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये मनोविज्ञान का एक संगठन है और आप सभी लोग इस बात को बहुत भलीभांति तरीके से समझ रहे होंगे कि जब भी किसी क्षेत्र में एक संगठन का निर्माण होता है वहां कितनी मजबूती आ जाती है। सर 1892 में जब जी स्टेनले हॉल ने एपीए का गठन किया, एपीए के जी स्टेनले हॉल के नेतृत्व में एपीए का गठन किया गया, तो विश्व के वो तमाम लोग जो मनोविज्ञान में रुचि रखते थे उनको एक संगठन के रूप में मंच मिल जाता है। और सामान्यतः इसके बाद मनोविज्ञान प्रतिदिन अब जो है नए नए शोध करना शुरू कर देगा, नए नए सिद्धांत, नए नए नियम इसमें आना शुरू हो जाएंगे। और सामान्यतः हम कह सकते हैं कि इसी क्रम के बाद जो है मनोविज्ञान धीरे धीरे एक स्वतंत्र विषय का रूप अख्तियार कर लेगा। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से मनोविज्ञान जो पहले दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत आता था वो स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र विषय का रूप अख्तियार करता है। और इस स्वतंत्रता की कहानी के पीछे
वो कौन कौन से ऐसे जो है लोग थे जो जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, उसमें आपके विलहम मुंड, उसमें आपके जो है विलियम जेम्स हो गए, जी स्टेनले हॉल हो गए और भी बहुत सारे लोग। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पे हम समापन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये हमारा मुहिम जो घाट टीचिंग का मुहिम है, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे कुछ लोगों तक शेयर करिएगा, ऐसे लोगों तक पहुँचाइए जो सामान्यतः कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सामान्यतः वो यूट्यूब पर जो है अपनी कक्षाएँ ले पाएँ। सीडीपी के वो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सीटेट के लिए, वो सारी के सारे जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको करा सकूं। इसी के साथ जय हिंद।